जी हाँ दोस्तों, बेबी हरियाणा से बड़ी खुशखबरी आ रही है। खट्टर व मनोहरी कदम, वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में 75 साल पुराने पेड़ों के संरक्षकों को भी 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में 75 वर्ष से पुराने पेड़ों के संरक्षकों को प्रदेश सरकार हर महीने 2500 रुपये देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वर्ल्ड वैलेंटाइन डे पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान परिसर और आयोजित कार्यक्रम में कहीं कहा है कि संरक्षकों को पेंशन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस मौके पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आज गुजरात में खिजाड़िया वन जीव विहार और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन जीव विहार को सम स्तर से शामिल किया जाएगा। देश में सेंसर साइट की संख्या 49 हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है प्रदेश में 2 वेटलैंड और सुल्तानपुर में मिंडीवास में ये हर साल हजारों पक्षी आते हैं। सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियों को 50,000 प्रजातियों का आगमन होता है। वहीं मिंडीवास में 80 के करीब प्रजातियों के 40,000 पक्षी आते हैं। दोनों झीलों के आसपास के इलाके में होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित किया जाता है।